हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो ये पॉटली बैग बनाना सीखेंगे आज हम। तो ये सूट के साथ मैंने बनाया है। ये जो लेफ़्ट ओवर फैब्रिक था सूट में से बच गया था थोड़ा सा, तो इसका मैं बना लूँगी पॉटली बैग। तो इसको हम पहले देख लेते हैं क्या हमारा साइज बनेगा, क्योंकि इससे ज़्यादा मेरा और कपड़ा था नहीं मेरे पास। तो मैं यहाँ इस टाइप से कोई भी हम साइज ले सकते हैं, हमें बड़ा बनाना है या छोटा बनाना है। तो ये मैंने दोनों एक जैसे ही साइज के काट लिए हैं। और फिर ये मुझे जो लाइनिंग वाला फैब्रिक है वो थोड़ा एक्स्ट्रा रखना है, तो इस पर मैं लगा लूँगी थोड़ा सा जॉइंट। फिर उसके बाद दोनों फैब्रिक को आपस में जोड़ लेना है दोनों साइडों से। फिर उसके बाद यहाँ साइड में सिलाई लगा लेनी है दोनों साइडों में। और इसको हाफ हाफ हमने इस टाइप से रखा है कि जो लाइनिंग वाला है वो एक साइड आ गया और जो प्रिंटेड है वो एक साइड आ गया है। दोनों साइड हमें सिलाई लगा लेनी है। फिर उसके बाद चाहे तो इसको ये इसी टाइप का रहने दें चौकोर में, और चाहे इसको नीचे से गोलाई में काट सकते हैं। तो मैंने गोलाई में काट लिया है, ये मैंने थोड़ी मार्किंग कर ली है और फिर इसको कट कर लिया है। दोनों जो कोने हैं उसके तो उसको कट कर लेना है। यहाँ पे एक सिलाई लगा लेंगे दोनों साइड में। फिर ये कट लगाने बहुत ज़रूरी हैं, जब भी हम पलटते हैं फिर इससे फिनिशिंग नहीं आती अगर नहीं काटते हैं तो। तो इस साइड भी मैं लगा लूँगी ये। तो इसमें भी हम कट लगा लेंगे। फिर इसको हमें पलटना है पूरा जो हमारा कपड़ा है। तो इसको बीच में से थोड़ा सा खोल लिया था मैंने, उसी से हमने पलट लिया है बस। अब यहाँ भी बंद कर लेंगे जो थोड़ा सा खोला था। फिर उसके बाद इसे इस टाइप से पलट लेना है। तो ये जो हमने लाइनिंग वाला फैब्रिक लिया था वो थोड़ा सा लंबा था, तो इसलिए ये थोड़ा हमें दिखेगा जब हम पलटेंगे। तो ये समोसा लेस मैं साइडों में लगा रही हूँ और बस फ्रंट में ही लगानी है। चाहे तो हम इस पर कुछ और एम्ब्रॉयडरी वगैरह या कुछ भी लगा सकते हैं। तो मुझे तो ये सिंपली रखना था और बस जो सूट है उससे मैचिंग करनी थी। तो इसके साथ का एक सूट सिला है अनारकली, तो मेरे चैनल पे वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। उसके बाद पलट लेने के बाद यहाँ दो सिलाई हमें लगानी है, जिसमें हमारा जो इसकी बेल्ट होगी जिससे हम बांधते हैं वो उसमें डलेगी। तो यहाँ एक सिलाई लगा ली पहले, तो जहाँ लाइनिंग वाला एंडिंग हो रहा है उसका फैब्रिक का, उस वहाँ पे हमें लगानी है सिलाई। उसके बाद लगभग हाफ इंच पे हमें एक बार और लगा लेनी है। इसके बाद एक डोरी बना लेनी है। तो
ऐसी दो डोरियां हमें बनानी है, तो जो भी बचा हुआ था फैब्रिक उसमें मैंने यूज़ कर लिया है। तो यहाँ ये छोटा सा हम जो कोन होती है वो बना लेंगे, टेसल छोटी सी, और दूसरी साइड नहीं बनाएंगे अभी, बाद में बनाएंगे। तो दोनों डोरियां मेरी रेडी हैं, तो इसको यहाँ से थोड़ा सा कट करके, जो हमारा जमने सिला था इसको थोड़ा सा कट कर लेंगे, जिससे हमें ये जो डोरी है वो इसमें इंसर्ट करने में थोड़ा इजी हो। तो यहाँ पिन से हम डाल देंगे इसको, जहाँ से हमने स्टार्ट करी थी वहीं तक हमें ये डालनी है एक साइड से। उसके बाद दूसरी जो डोरी है वो भी डाल दूंगी मैं, तो वो दूसरी साइड जो है वहां से हम स्टार्ट करेंगे और वहीं पे एंड करेंगे इसका। तो ये इस टाइप से खींचेंगे तो ये बंद हो जाएगा, और इसको हम लूज कर देंगे तो ये खुल जाएगा। इसमें भी ये टैसल लगा लेनी है छोटी सी दोनों साइडों में। तो ये रेडी है हमारा पोटली बैग। तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना कि कटिंग स्टिचिंग वीडियो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी।